Welcome back, students. So today we will discuss about some more examples of physical and chemical changes from chapter number 6, changes around us. Okay, so let's start. First thing we will discuss about boiling, evaporation and condensation. Clear beta? आज हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में. सो एज यू नो दैट आई हैव रिटन हियर, यू कैन सी इट ऑलरेडी दैट फिजिकल चेंज हैज़ बिन रिटन इन फ्रंट ऑफ दिस. सो आप तो समझ ही गए होंगे कि बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या है बेटा, फिजिकल चेंज है. ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा? सो Whenever liquid gets heated, जब भी हम liquid को heat करते हैं बेटा, तो इनके molecules जो होते हैं उनका movement जो होता है बेटा वो speed up हो जाता है. ठीक है, यानी molecules का movement जो होता है वो fast हो जाता है, वो fastly move करने लगते हैं. And they starts escaping as gas, वो gas के form में बेटा escape करने लगते हैं. But बेटा एक चीज़ और होती है, When gas gets cooled, जब वही गैस यदि हम कूल करेंगे तो वी कैन गेट लिक्विड बैक इन ओरिजिनल फॉर्म. क्लियर, हम उसी लिक्विड को ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं. क्लियर, एंड यदि आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो बेटा आप देख सकते हैं, लाइक आप अपने यहाँ घर में स्टोव पे एक किसी कंटेनर में थोड़ा सा वाटर बॉयल करने के लिए रख दीजिए, उसको आप एक लिड से कवर कर दीजिए. ठीक है, आफ्टर सम मोमेंट्स यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉयलिंग एंड इट इज़ बीइंग इवेपोरेटेड, वेपराइज जब होता रहता है बेटा, तो जो लिड होगी, लिड से क्या होता है, लिड से टकराने के बाद कुछ ड्रॉपलेट्स लिड पे आपको लगी हुई दिखाई देती है. ठीक है, सो दैट इज बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन गोइंग ऑन टुगेदर, वो एक साथ सारी चीजें आपको दिख जा रही हैं. क्लियर, नेक्स्ट वन रस्टिंग. रस्टिंग बेटा क्लियरली इट इज अ केमिकल प्रोसेस एंड इट मींस डिपोजिशन ऑफ अ ब्राउन सब्सटेंस. यानी सपोज कि कोई आयरन ऑब्जेक्ट आपने खुले में छोड़ दिया है, ठीक है बेटा, तो वहाँ पे क्या होती है बेटा, ह्यूमिड एयर प्रेजेंट होती है. ह्यूमिड एयर मींस एयर के साथ साथ मॉइस्चर भी होता है, बिकॉज ऑफ दैट एक ब्राउन सब्सटेंस जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है उस आयरन ऑब्जेक्ट पे. दैट प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग, वो प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, रस्टिंग. क्लियर, नेक्स्ट मेल्टिंग ऑफ सॉलिड. मेल्टिंग ऑफ सॉलिड की बात करें बेटा, तो हम लोगों ने पढ़ा भी है कि वाटर जो होता है बेटा, वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बट आइस व्हेन गेट्स मेल्टेड इट गेट्स बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. जब आइस मेल्ट होती है बेटा तो वो फिर से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. क्लियर, वन मोर थिंग दैट इज़ बर्निंग ऑफ कैंडल. अब बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल में दो चीज़ें होती हैं, पहले तो ये एक फिजिकल भी है और एक केमिकल भी है. ठीक है, मीन्स इसमें फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंज भी होता है बेटा. कैसे होता है, तो बेटा पहली चीज़ तो इसमें क्या होती है, वैक्स मेल्ट करती है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. बट सेकेंडली इट बर्न्स. क्लियर, तो बर्निंग क्या है बेटा, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज. सो बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल जो होगा इट इज बोथ फिजिकल एज वेल एज अ केमिकल चेंज ऑल्सो. क्लियर, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. क्लियर बेटा, बट वन थिंग दैट इज इन योर बुक is about catalyst and activation energy. Clear beta? So let's see here. Catalyst क्या होते हैं बेटा,
ऐसे सब्सटेंसेस, अ सब्सटेंस बीइंग रिक्वायर्ड बाय अदर सब्सटेंस फॉर केमिकल चेंजेस। बेटा सपोज करो जैसे कोई एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको कि किसी दूसरे सब्सटेंस की हेल्प लेनी पड़ती है फॉर एनी टाइप ऑफ चेंजेस, स्पेशली केमिकल चेंजेस। तो बेटा जिसकी हेल्प वो लेगा उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, एक टाइप का कैटलिस्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, क्लियर। लेकिन बेटा जो क्लोरोफिल होता है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, ये एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन फॉर्म ऑफ लाइट, क्लियर रहेगा। वन मोर थिंग, एक्टिवेशन एनर्जी। सो बेटा अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा लाइक वाटर है, तो वाटर को बॉयल होने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ता है, हीट प्रोवाइड कराना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। वॉट एवर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर बेटा। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू बेटा कि जब दो अदर सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा, क्लियर, यानी कि दो सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस जब आपस में मिक्स होते हैं बेटा तो भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू शो यू अबाउट वॉशिंग सोडा, क्लियर, वॉशिंग सोडा। एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू add in this washing soda, that is lemon juice, clear. So beta what will be obtained when these two different substances react together, it gives us carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ये मैंने एरो मार्क किया है, ठीक है। सो इट मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेटा अगर ये एरो मार्क्ड है तो इसका मतलब है कि वो जो गैस होगी लाइक ये CO2 गैस जो है ये क्या हो रही है, ये लिबरेट हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, प्लस अदर प्रोडक्ट्स, गॉट इट, प्लस सम अदर प्रोडक्ट्स, यानी इट मीन्स कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो रहे हैं बेटा, क्लियर। एंड हाउ कैन वी टेस्ट, कैसे हम पता कर सकते हैं? तो बेटा सपोज जैसे हमने एक कंटेनर में वॉशिंग सोडा और लेमन जूस ऐड कर लिया, ठीक है, तो बेटा CO2 रिलीज हो रहा है वहाँ से, कैसे हम पता करेंगे? तो बेटा एक बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तीली, यदि हम उसके बॉटल के माउथ के पास जो ओपन एंड है वहाँ पे अगर लेके जाएंगे तो वो क्या होगी, वो बुझ जाएगी बेटा। क्यों बुझ जाएगी? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर रहेगा बेटा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, थैंक यू and have a nice day.